एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत ऐसे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड फिश। इसको लगाएंगे सबसे पहले मसाला। सबसे पहले हमने 2 किलो फिश को वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। अब लगाएंगे हम इस पर मसाला। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ले ली है, वो शामिल कर देंगे। वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, ये आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। 1 स्पून जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। हाफ स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। एक चुटकी हमने जर्दे का कलर ले लिया है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने मछली का मसाला ले लिया है, फ्राई मछली मसाला, ये सारा ऐड कर देंगे। दो से तीन अदद हमने लेमन ले लिए थे, उसका रस निकाल लिया है वो ऐड कर देंगे। एग ले लिया है वो ऐड कर देंगे, इससे हमारी फिश जो है वो बहुत क्रिस्पी फ्राई होती है। यहाँ पर हमने बेसन भी ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। जो अब हमारी फिश थी उस पर हम अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे। सारी फिशेस पर हम मसाला लगा लेंगे। सब पर हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। फिर उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। चार से पाँच घंटे हो चुके हैं, हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसे गर्म कर लिया है, तेज़ गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके पीस डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखें फिश हमारी यहाँ पर फ्राई हो रही है। एक तरफ से फ्राई हो गई है तो हम इसे दूसरी तरफ भी पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। फिश हमारी फ्राई हो रही है अच्छी तरह से। देखें दोनों तरफ से कलर आ चुका है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। फिश हमारी तैयार है, देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। इस तरह से अपने सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।